जब मम्मी जी ने और राजेश भैया ने हमें जिंदा दफना दिया था, उन्हें उनके पापों की सजा ना दे। नहीं रंगीले जी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, और हाँ तुम अक्षय से नाराज भी मत हो। आप कैसी बातें कर रही हैं रंगीले जी, जिस इंसान ने हमारी जान बचाई है उसे कैसे नाराज हो सकते हैं। थैंक यू। देखिए पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, और वैसे भी पुलिस केस है तो मैं इनका इलाज नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर हम इन्हें हॉस्पिटल लेके गए ना तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। देखिए मिस्टर अक्षय, हम इनका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं कर सकते, और अगर मैंने इनका इलाज किया तो मेरा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आप एक डॉक्टर है, आपका सबसे पहला फर्ज है अपने पेशेंट की जान बचाना। अगर हम इन्हें हॉस्पिटल लेके गए ना तो इनके दुश्मन इनकी जान ले लेंगे। आप में इंसानियत है या नहीं? प्लीज ट्राई एंड सेव। क्या कर रहे हैं आप? I'm really sorry, but please, please save her life. Okay, thank you. Rangeli ji, मैं इस हादसे के बारे में पूरा सच जानना चाहता हूँ। आपने जो हम लोगों के लिए किया है ना, उसके बाद मैं खुद आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहूंगी। ये जो लड़की है ना, इसका नाम जानकी है, इसकी हर्ष शास्त्री से शादी हुई है। हर्ष शास्त्री, आप जानते हैं उसे? नहीं, आई मीन नॉट पर्सनली, लेकिन एज अ बिजनेसमैन यस। ये उसी हर्ष शास्त्री की पत्नी है, लेकिन उसकी माँ सविता। डोंट वरी, ये अब खतरे से बाहर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक क्या? आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है अक्षय, वो आपका बहुत बड़ा कर्ज होगा हम पे। अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने दुश्मनों से बदला लेना और अपने सुहाग की रक्षा करना। और अगर आप हमारे साथ हैं ना तो हम ये जरूर कर पाएंगे। अंगिलीजी, हमें विश्वास नहीं होता, हमें डर ही सहमी सी जान की आज सिर्फ इनकी वजह से एक फियरलेस बिजनेस वुमन बन गए। सिंदूर मिटाने की कोशिश से तुम इतना तिल मिला गए जानकी, तू सोच जा रहा हर्ष उन राक्षसों के बीच में अकेला है। अरे वो लोग जब चाहे तेरे माथे का सिंदूर मिटा सकता है। अरे हर्ष को तो ये भी नहीं मालूम है कि उसका दुश्मन कौन है। तुम बात करती हो, तुमसे नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हर्ष को कुछ नहीं होगा, इसलिए उस दिन भगवान ने हमें मरने नहीं दिया रंगीली जी, ताकि हम कविता शास्त्री और राजेश शास्त्री को उनके पापों की सजा दे सके, उनके बुरे कर्मों की सजा दे सके। तभी तो सही वक्त पर अक्षय आ गए और उन्होंने हमें बचा लिया। ये हमारा दूसरा जन्म है और इस दूसरे जन्म में जीत हमारी होगी। ये केवल तुम्हारी जीत नहीं, हम सबकी होगी, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। You looking good?
और इस तरह मैं बनी जानकी से जया कपूर। मुझे ये बताओ कि जिन लोगों ने तुम्हें जिंदा दफना दिया था उनसे 6 महीने बाद मिलने पर, इनफैक्ट हर्ष को देखने पर तुम कैसा फील कर रही हो? बता नहीं सकते कैसा फील हुआ। आपको पता है वो उन्होंने आके हमें अच्छे से हग कर लिया। एक सेकंड के लिए हमें लगा हम शायद खुद को संभाल ही नहीं पाएंगे रिंगरे जी, हम शायद कमजोर पड़ जाएंगे, पर नहीं, हमने अपने आप को संभाल लिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि हम उनकी जानकी हैं, जानकी हैं, पर हमने ये साबित नहीं होने दिया कि हम उनकी जानकी हैं, क्योंकि हम जानते हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ सिर्फ आप लोग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। नहीं जया, कमजोर नहीं पड़ना है। अब हर्ष तुम्हारे सामने होगा, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना है और अर्जुन की तरह अपना फोकस बिल्कुल टारगेट पर। यस, यू आर राइट अक्षय, मिशन शुरू हो चुका है। अब वक्त नहीं है कमजोर पड़ने का, अब तो वक्त आ गया है सच बताने का। हर्षी को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने का टाइम आ गया है, उनकी मां का सच। हर्ष, हर्ष, संभाल के बेटा, तू रो रहा है? नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था। क्या हुआ है बेटा, अपनी दादी को नहीं बताएगा? दादू, सच में कुछ नहीं हुआ, वो आंख में कुछ चला गया था, ठीक हो जाएगा। एक मिनट, इधर आ, इधर बैठ, बैठ मेरे पास। अब बता क्या बात है? कुछ नहीं दादू, दादी हूं तेरी। जब तुझे बोलना नहीं आता था ना, तब भी तेरे मन की बात समझ जाती थी। जरूर ऐसा कुछ है जो तुझे मन ही मन परेशान कर रहा है ना? सबूत मिल गया दादू। सबूत? कैसा सबूत? जया जानकी नहीं है। मुझे लगा था कि जया ही जानकी, मैं गलत था। जया जानकी नहीं है? पता नहीं भगवान हमारे साथ ये मजाक क्यों कर रहा है। पता नहीं हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या जानकी की हमशक्ल को मेरी जिंदगी मिला के कोई नया खेल खेल रहे हैं। आपको पता है दादी, जानकी की उस हालत का जिम्मेदार मैं, इसलिए यही सब है। नहीं बेटा, तू अकेला जिम्मेदार नहीं है, हम सब भी जिम्मेदार हैं इसके। देखो अंग्रेज। रंगली जी, आपको याद है जब पहली बार जया फोक और नाइफ लेके खाना खाने की कोशिश कर रही थी, मेरी आंखें फूटते फूटते बच गई थी। मुझे याद है। और वो बात याद है जब कांटा इसके हाथ में रह गया था और खाना हवा में। या, you're right, रंगली जी, क्योंकि वो जानकी थी जिसे कुछ नहीं आता था, और ये जया कपूर जिसे सब कुछ आता है। वो डरी सहनी सी जानकी तो कब की मर चुकी है। नहीं जया, जानकी मरी नहीं है, बस इस जया के पीछे छिप गई है, और ये जया अब जानकी की लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। जानकी के लिए जया को लड़ना ही होगा। राजेश, अगर तुम्हारे आदमियों से जरा से भी चूक हो गई ना, तो जया हम सबको कच्चा चबा जाएगी। ए माँ, धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं, आप ही तो कहती हैं। कोई इतनी तेज चिल्ला रही है, चिंता मत कीजिए, जानकी की तरह मेरे आदमी जया को भी जमीन के अंदर गाड़ देंगे। बस वहां जया जमीन के अंदर, और यहां राम तुम्हारी जीप के अंदर, और फिर हर्ष वो भी बात दीवाना बनकर जानकी जानकी करते हुए। ये जानकी और जया की शक्ल एक जैसी है ना, तो इनका अंजाम भी एक जैसा होना चाहिए। बस
तुम्हारा ये काम एक बार अच्छे से पूरा हो जाए वरना पता नहीं राम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। किसके कहने पर तुमने मुझ पर अटैक किया था? मैं उनको बता दूंगा, तुम्हें मार देंगे जान से। अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तुझे मार दूंगा, ये याद रख, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। राजेश, काम हो गया? अब तक तो काम हो जाना चाहिए था, मैं भी अपने आदमी से बात करता हूँ, अभी पूछता हूँ। फोन नहीं उठाया उसने अभी, बार हो जाएगा काम। राजेश, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब ट्रस्ट मी, सब अच्छे से हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आई होप सो। हमारे पास केवल एक ही चांस है। कौन सा एक ही चांस डैड? कहीं आप लोग जया के साथ कुछ करने का प्लान तो नहीं कर रहे? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। डैड, यही बात मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हर्ष बेटा, व्हाट आर यू प्लानिंग डैड? हर्ष, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्षय, आई थिंक यू शुड कॉल द कॉप, सीरियसली। अब पुलिस ही ना तेरे से तेरे बॉस का नाम निकलवाएगी। अभी बताओ कि तुम। हेलो ऑफिसर, मुझे किडनैपिंग रिपोर्ट करवानी है। किडनैपर ना हमारी हिरासत में है, आपने इसे इसके बॉस का नाम निकलाई है, उसके लिए इसका मुंह तोड़ना पड़े, हाथ पांव तोड़ो, कुछ भी तोड़ो। प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताता हूँ आपको, बता दो किसने भेजा। डैड कम ऑन, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि आप जया के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। गॉड सेक डैड, प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। हर्ष, ये कैसी बात कर रहे हो? मम्मा, मैं कैसी बात कर रहा हूँ? डैड प्लीज, फॉर गॉड सेक, मुझे आपकी परवाह, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है। डैड, हमारे पास अब भी टाइम है। डैड, हम लोग इस रिसोर्ट को बचा सकते हैं। अब कुछ नहीं बच सकता पापा, जो कुछ कारनामा करना था वो ये कर चुका। जो कुछ भी हम लोग झेल रहे हैं ये आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। डैड प्लीज, अब मुझे बताइए कि डू यू ट्रस्ट मी। डैड आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ ठीक करके दूंगा। फिर मुझे उसके हाथ भी जोड़ने पड़े, मैं जोड़ूंगा डैड, बट आई वॉन्ट टू सेव दिस रिसोर्ट। क्या ठीक कर देंगे मिस्टर शास्त्री? मिस्टर हर्ष शास्त्री, आपके भाई ने पहले मुझ पर अटैक करने की कोशिश की और फिर मुझे मरवाने की कोशिश की। What are you saying? जो आप सुन रहे हैं, ये गुंडा भेजा था, इसके साथ और भी गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए, है ना? Am I right? मिस्टर राम शास्त्री, इसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। Dad, what is she saying? क्या बोल रही है? Dad, आप, ये आप, आपने सब क्या समझती हो अपने आप को? डरते नहीं हम लोग तुमसे? हमारा रिसोर्ट खाली करो और जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगी पापा, जाओ यहाँ से वरना मैं आज। राजेश भैया मेरी बात सुनो, हर चीज में बर्बाद करना चाहती हूँ। सर, बहुत शौक है औरतों पे हाथ उठाने का, हाँ? आगे से ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। हाथ उठाना तो दूर की बात है, आगे से नजर उठा के देखने के लिए भी ना 100 बार सोचना पड़ेगा। और आप सब भी सुन लो, जया अकेली नहीं, जया के साथ मैं हूं, उसकी ढाल बनकर। अच्छा, मैं अपने परिवार की ढाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने? और तुम्हारा भाई कुछ भी करे वो चलेगा, शायद तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे भाई ने ना जया को मारने की कोशिश की है। इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा है भी तो मैं वहां पर था, मैं बचाता जया को। तुम कौन हो तो मेरे भाई को हाथ लगाने वाले या हमारी फैमिली के बीच में इंटरफेयर करने वाले? आना पड़ा हर्ष, अगर तुम्हारे आने का इंतजार करता तो बहुत देर हो जाती। इंस्पेक्टर,
अरेस्ट। बिना प्रूफ मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इंस्पेक्टर, इसके आदमियों ने जया को किडनैप किया और उसे मारने की कोशिश की। वो लॉ डिसाइड करेगा किसने किसके साथ क्या किया। आई विल स्पीक टू माय ब्रदर। ये क्या बोल रहा है, सच में आपने ऐसा कुछ किया है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तो कुछ कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। एक बात हमारी सुन लीजिए, कोई हमारे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। इंस्पेक्टर, इन्हें भी साथ में ले जाइए क्योंकि क्राइम में ये इक्वली इन्वॉल्व। प्रूफ क्या आपके पास? प्रूफ है मिस्टर राम शास्त्री, किडनैपिंग एंड प्लानिंग टू किल। बताओ जरा किसने भेजा था तुम्हें मुझे मारने के लिए? जी, मुझे राजेश सर ने पैसे दिए थे सब करने के लिए। इंस्पेक्टर, अरेस्ट है। कोई हाथ नहीं लगाएगा हमें, हम चल रहे हैं। लॉयर्स को इन्फॉर्म करो, बुलाओ मेरे। दवाई खा लीजिए अम्मा जी, ये लीजिए। हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक। ये लीजिए, सब ठीक है। दवाई दे दिया। क्या देखने आए हो यहाँ? दादी की हालत देखिए, तुम्हारी वजह से ये सब। What do you want from us? Please leave us. मम्मा, बस दादी का ख्याल रखना। सब बढ़िया है, सब ठीक। श्वेता, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है दादी की क्या हालत है और तुम क्या कर रही हो? थोड़ा धीरे बोल सकती हो? सही तो कह रहे तुम्हारे हस्बैंड, बात मान लो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। एंड लिसन, उनकी जो आज ये हालत हुई है ना, इसके लिए इनका बेटा और इनका पोता जिम्मेदार है। मुझे बोलना बंद कर दो। वैसे भी इतनी वियर्ड फैमिली है। क्या वियर्ड फैमिली? क्या बोल रही हैं आप? मेरी दादी की हालत देखिए, मेरे भाई और पापा जेल में हैं और आपने तो डलवाया है, ऊपर से आप ये सब कर रही हैं। जया, अब ना क्या क्या हाथ जोड़ते, आपको छोड़ दो, अकेले छोड़ दो। बस बस मिसेस शास्त्री, बस मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पर आप लोग का ये सारा तमाशा देखने का। आई एम नॉट लाइक यू जो अपनी फैमिली का ये हाल करते। और आज मैं आप लोग को इसलिए इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ एक बुजुर्ग है। दैट्स इट, इनका तो कोई लेना देना भी नहीं इन सारी चीज़ों से। मैंने बस इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते क्या, इंसानियत दिखाई कहाँ है आपने? हमारे रिसोर्ट में आप आई हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं, दुख तकलीफ दे रही हैं, यही कर रही हैं ना। क्या प्रूफ करना चाहती हैं अपने आपको? बिजनेस वूमन करिए। लेकिन प्लीज, ये जो झूठी सिंपैथी है ना, ये हमको मत दिखाइए। हमें नहीं चाहिए आपकी झूठी सिंपैथी। कीप इट टू योरसेल्फ। अब आप कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे? प्लीज रिलैक्स। जया, डोंट बॉदर, ये लोग तुम्हारी सिंपैथी के लायक नहीं है। जस्ट लीव देम, लेट्स गो। जानकी जी का हाथ ऐसे क्यों पकड़ रहा है? एक मिनट, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, ये जया जी हैं। जया, मैं जानता हूं दादी की हालत देख के तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। मुश्किल नहीं हो रहा है अक्षय, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। हमें लगता है हमारी वजह से दादी आज, हमारी ये समझ में नहीं आता है कि जो लोग बुरे हैं, मम्मी जी बुराई की जड़ है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। और दादी इतनी इनोसेंट है, मुझसे इतना प्यार करती है, हम सबका इतना ख्याल रखती है, उनके साथ ये सब कुछ हुआ क्यों अक्षय? जया, वो इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों को फर्क पड़ता है, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को तकलीफ में देख के उन्हें दुख होता है। लेकिन सविता शास्त्री जैसे लोग ना किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं और ना किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, और इसलिए मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। जया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। और यहाँ रहने का मतलब पता है तुम्हें? ये लोग तुम्हारी जिंदगी नर्क कर देंगे। और जितना मैंने हर्ष को देखा है ना, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें बचाएगा। लेकिन हाँ, उसकी नफरत
उसकी नफरत तुम्हें जीते जी मार देगी। नहीं नहीं अक्षय, तुम हर्षी को ठीक से जानते ही नहीं हो, और जानोगे भी कैसे। तुमने उनके साथ वक्त ही कितना बिताया है। हम उनकी पत्नी है अक्षय, हम जानते हैं उन्होंने हर पल हर मोड़ पर हमारी रक्षा की है। तब भी जब उन्हें नहीं पता था कि हम उनकी पत्नी जानकी है, तब जब हम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी गुड़िया थे। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।